एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लीव लव ट्रेवल। और मैं हूँ कैरीना। आज मैं कोई ऐसे एक जगह पे आई हूँ जो लेजेंडरी प्लेस से कम नहीं है अपने बॉम्बे में। और ये जगह सर्व करता है फ्रॉम 1910 से, विच इज ऑलमोस्ट 114 ईयर्स, और वो भी ऑथेंटिक महाराष्ट्रियन क्यूजिंग इन लोग सर्व करते हैं। स्नैक्स से लेके थाली, लंच, सब कुछ सर्व करते हैं, और वो भी एकदम अफोर्डेबल रेंज पर। ये जगह आप जब भी देखो ये हमेशा फुल होता है, क्योंकि ये इतना अफोर्डेबल है और एकदम सिंपल सा प्लेस है। तो मैं आई हूँ दादर में, दादर वेस्ट मामा काने स्वच्छ गृह में। ये जो प्लेस है ना, एक्चुअली बहुत ज़्यादा सिंपल प्लेस है, लेकिन यहाँ पे ऑथेंटिक महाराष्ट्रियन खाना मिलता है। अगर टाइमिंग वाइज बता दूँ तो ये सुबह 10:30 से और शाम को 8 बजे तक होता है। मंडेज़ को क्लोज रहता है। बाकी ज़्यादा इंट्रो बड़ा नहीं करते, लेकिन उससे पहले मैं कुछ लोगों को थैंक यू बोलना चाहूँगी। इन लोगों ने मेरे वीडियो में काफ़ी ज़्यादा प्यार जताया है, सो थैंक यू सो मच। अंदर जाने से पहले आपको करना ये वीडियो को लाइक और कर लेना मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वरना भूल जाओगे, क्योंकि खाना इतना डिलीशियस दिखाने वाली हूँ मैं। तो चलिए ज़्यादा इंट्रो बड़ा नहीं करते और अंदर चलते हैं। तो मैं अभी अंदर आ चुकी हूँ, और यहाँ पे आने के बाद ना एकदम सादा सिंपल सा प्लेस है, नो नॉनसेंस प्लेस है। आपको फ़ैन मिल जाएगा, एसी नहीं है यहाँ पे। तो चलिए, मेरे पास मेन्यू कार्ड आ गया है, मेन्यू कार्ड दिखा देती हूँ मैं आपको। चालू करने वाली महाराष्ट्र स्नैक्स है। ये प्लेट में दे दिया है मुझे एक साबुदाना वड़ा, एक नॉर्मल बटाटा वड़ा, मेंदू वड़ा, थाली पीठ दे दिया है, और दे दिया है हमें आलू वड़ी। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले बटाटे वड़े से। ये देखिए, मैंने बटाटा वड़ा ले लिया है, हल्का सा भी ठंडा हो गया क्योंकि मैं शूट के बीच में हूँ। तो ये देखिए, तोड़ के देखते हैं। आहा, बटाटा वड़ा एकदम जाड़ा है। इसका बेसन का जो कोटिंग है ना, थोड़ी सी मीडियम थिकनेस है, जिसके कारण एकदम मस्त होल्ड करके रखा है। एकदम स्टफिंग बहुत अच्छी सी की गई है। स्टफिंग में मुझे ना कोरिएंडर लीव्स, जीरा, और है ना कोरिएंडर सीड्स भी दिख रहे हैं, मस्टर्ड सीड्स दिख रहे हैं। चलो इसको ना थोड़ा चटनी के साथ खाते पहले। इट इज़ सो गुड, सॉफ्ट खमंग, कड़ी पत्ता, कोरिएंडर लीव्स की जो टेस्ट आ रही है ना, जीरे का जो स्वाद आ रही है, राई का फोड़नी है ना, एकदम अच्छे से पड़ी है, स्वाद बहुत अच्छा है। और ये जो लहसुन की चटनी है गाइस, दिस इज़ सो नाइस। मैं थोड़ा और डिप करने वाली हूँ और ये वाला बाइट भी खाने वाली हूँ। दिस इज़ सो गुड। मैं नेक्स्ट ट्राई करने वाली हूँ साबुदाना वड़ा। ये मेरी फेवरेट है। ये एकदम ना ओवल और थोड़ी मोटी सी है। इसके ऊपर से मुझे थोड़ा जीरा और है ना मिर्ची और सिंगदाना, मतलब पीनट्स दिख के आ रहा है। चलो इसको तोड़ के देखते हैं। हाँ, मस्त है। ये थोड़ा अभी भी गर्म है क्योंकि इससे धुआं निकल के आ रहा है। वाह, इट इज़ सो नाइस। एक्चुअली ना साबुदाने वड़े की ना जो कोटिंग होती है ना, उसमें एक अलग ही स्वाद होता है। एकदम अच्छे से डीप फ्राई किया गया है। इसको खा के देखते हैं। मैंने मिर्ची वाला पोर्शन लिया क्योंकि मुझे मिर्ची वाला पोर्शन बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये खा के देखते हैं। सो गुड। ये ना सेम मेरे घर पे जैसे बनते ना, वैसी स्वाद है इसकी। प्योर महाराष्ट्रियन साबुदाना वड़ा। इनसाइड इट इज़ सॉफ्ट, आउटसाइड इट इज़ क्रंची। द पीनट्स इज ब्रिंगिंग दैट क्रंच फ्रॉम द इनसाइड। जीरे का फोड़नी। इट इज़ वेरी सिंपल बट वेरी नाइस। यहाँ पे ना उन्होंने ना थोड़ा सा कोकोनट की चटनी दी है। एकदम सादा चटनी लग रहा है, थोड़ा हल्का सा मीडियम थिकनेस है। इसको इसमें मैं ऐड करती हूँ और है ना ये इसके साथ खा के देखते हैं। चलो खा के देखते हैं। दिस चटनी इज सो सिंपल विदाउट फोड़नी एनीथिंग। इट जस्ट आपको थोड़ी सी मिर्ची और है ना यहाँ पे जो ग्रीन कलर दिख रही है मिर्ची, शायद हल्का सा कोरिएंडर डाला रहेगा, वरना रॉ कोकोनट का स्वाद है, एकदम मीठा और बहुत ज़्यादा अच्छा। अभी मैं मेरा थर्ड मोस्ट फेवरेट खाने वाली हूँ। मैं लाइन वाइज खा रही हूँ क्योंकि वो मेरे सारे फेवरेट है। अभी मैं खाने वाली आलू वड़े। ये गुजराती में पात्रा भी बोलते हैं। इसके अंदर है ना, मैं इसको तोड़ के दिखाती हूँ। इसके अंदर है ना बेसन का मिक्सर लगाया जाता है। ये मैंने एक बार घर पे बनाने की भी कोशिश की थी और मेरे हाथ से लिटरली गाइस बहुत अच्छा भी बना था। ये ना एक तो थोड़ा स्वीट सावर खट्टा मीठा टेस्ट होता है। चलो खा के देखते हैं कैसा, और क्रंची तो एक्चुअली है बट खा के देखते हैं कैसा है। दैट स्वीटनेस, दैट लिटिल सॉफ्टनेस, टू गुड। ये जो क्रंची है ना ऊपर जो फ्राई किया गया है, मुझे एक्चुअली क्रंची है ना बहुत ज़्यादा पसंद आता है। कभी कभी ना जो बच जाता है
जो बच के लास्ट में फ्राई होते हैं ना, मुझे वो भी बहुत पसंद आते हैं क्योंकि उसमें स्वाद एक अलग ही मज़ा होता है। इट्स वेरी नाइस, मसाला बहुत अच्छे से लगाया गया, बेसन का स्वाद एकदम ऐसा समझ में नहीं आएगा, उठ के नहीं आएगा, बट अच्छे से उसकी मिक्सचर बहुत अच्छी तरह से लगाई गई है। तो देख अभी खाते हैं थाली पेट। वैसे तो मैंने थाली पेट बहुत बार चैनल में दिखाया भी है, मैंने पंचीकर का दिखाया, मैंने और भी बहुत सारे लोगों का दिखाया, उनका थाली पेट भी बहुत अच्छा रहता है। और मैंने थाली पेट में मोस्टली देखा 3 होल नहीं तो थोड़ा सा होल भी रहता है, यहाँ पे है नहीं, बट ठीक है, स्वाद के आगे कुछ भी चल जाता है। ये देखिए थाली पेट एकदम थोड़ी क्रिस्पी लग रही है, मस्त इसमें कांदा दिख के आ रहा है और ना मसाले भी अच्छे से दिख के आ रहे हैं। चलो खा के देखते हैं इसको, थोड़ा सा मैं छोटा सा पीस तोड़ के देती हूँ, अभी खा के देखते हैं। ये भले वो होल्स नहीं है लेकिन स्वाद में ज़रा भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, इट इज़ सो डिलीशियस। अच्छे से तवे पे फ्राई किया गया है इसका कांदा, आप देख सकते हैं इसके ऊपर जो मसाले लगाए गए हैं, कोरिएंडर लीव्स दिख के आ रहे हैं मुझे, वो बहुत अच्छी तरह से फ्राई हुए मसाले, एकदम अंधे तरह से भुने गए हैं। वाह दिस इज़ सो गुड, मैं थोड़ा ना चटनी के साथ खा के देखना चाहूँगी। टू गुड, अभी मैंने इतना कुछ खाया है ना तो थोड़ा कुछ पीते भी है, तो मैं पहले छाछ पीने वाली हूँ और फिर मैं दूसरे ड्रिंक्स भी इसके बीच बीच में ऐड करूँगी, लेकिन पहले छाछ पीते हैं। सॉल्ट नहीं है, मसाला भी नहीं है, ये प्लेन सिर्फ दही और पानी है, बट इट इज़ लिटिल चिल्ड, इतने गर्मी में ना ये मज़ा आ रहा है, लेकिन सॉल्ट नहीं, अगर आपको चाहिए तो आप ऐड कर सकते। तो अभी हम लोग कोथम्बीर वड़े खा के देखते हैं। ये देखिए कोथम्बीर वड़े एकदम मस्त स्क्वायर शेप में है, इसके काफ़ी सारे शेप्स होते हैं लेकिन टेस्ट ज़्यादा मैटर करता है, कभी कभी ट्राइंगल भी रहता है, कभी कभी ओवल रहता है, कभी कभी स्क्वायर रहता है, बट ये देखिए कितना ब्यूटीफुल पीस है इसका, एकदम लेयर एकदम क्रिस्पी लग रहा है, जीरा है इसमें, बहुत सारे कोरिएंडर लीव्स है। चलो इसको तोड़ते हैं, तोड़ के ये देखिए आहा एकदम सॉफ्ट लग रहा है, कुशकुशित लग रहा है अंदर से, इट्स सो नाइस एंड फ्लफी, और बाहर से उतना ही क्रिस्पी। चलो ये खा के देखते हैं। दैट कोथम्बीर का टेस्ट, दैट कोरिएंडर का टेस्ट जीरा के साथ, वाओ। और कोरिएंडर एकदम फ्रेश है, कोरिएंडर जितना प्रपोर्शन में डाला गया है बेसन के साथ वो काफ़ी प्रॉपर प्रपोर्शन में डाला है, जीरा का फोड़ नहीं दिया हुआ है इसमें, और इज़ सो नाइस, बाहर से एकदम क्रिस्पी है, बाहर से एकदम क्रिस्पी है और अंदर से एकदम सॉफ्ट है, इट इज़ नाइस, वेरी नाइस। महाराष्ट्र डिश खाने के लिए आई और पूरी भाजी नहीं खाऊंगी तो ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि पूरी भाजी तो एकदम, क्योंकि उनकी जो आलू की भाजी होती है उनके जैसा कोई बना ही नहीं सकता है महाराष्ट्र डिश में। ये देखिए उन्होंने मुझे 5 पूरी दे दी है और यहाँ पे थोड़ा ना कांदा और नींबू भी दे दिया है, बट मैं क्या करने वाली हूँ ना, मैं लेने वाली हूँ उनकी लहसुन की चटनी। ये चटनी है ना गाइस बहुत ज़्यादा अच्छी है, मुझे बटाटा वड़ा के साथ भी बहुत पसंद आया था। पूरी लेती हूँ, पूरी आटे की है और एकदम मस्त खुशखुशीद है, चलो खा के देखते हैं। पहले मैं भाजी के साथ ऐसे ही खाने वाली हूँ, भाजी लुक्स वेरी टेम्पटिंग, मैं यहाँ पे भाजी लेने वाली हूँ, थोड़ा अच्छे से लेते हैं। भाजी में अगर आप देखोगे तो इसमें राई, जीरा, मिर्ची और है ना फोड़ रखी गई है और अखा का एक पीस रखा गया है, उसका स्मैश नहीं किया है और मिर्ची अच्छे से दिख के आ रही है, कोरिएंडर लीव्स, कोरिएंडर के थोड़े बहुत स्टेम्स भी दिख के आ रहे हैं। तो ये खा के देखते हैं पहले। सो गुड, जो डोसे के साथ मसाला आलू आता है वो बहुत अलग होता है और जो महाराष्ट्र पूरी भाजी के साथ सर्व करते हैं वो बहुत अलग होता है, दोनों की अपनी अपनी चार्म है और दोनों ना अपने डोसा के साथ अपने पूरी के साथ ही अच्छा लगता है, दिस इज़ वेरी गुड। अगर आपको इतना ऑथेंटिक पूरी भाजी खानी होगी ना तो आप मामा खाने में आके ना लिटरली खा सकते हो, इनकी महाराष्ट्र की डिशेज से ना उन्होंने बहुत ऑथेंटिक और घर गुती जो घर पर आपको टेस्ट मिलेगा वैसी रखी है। थोड़ी ना मैं चटनी में भी लेने वाली हूँ, अभी चटनी के साथ खाने वाली हूँ, बट मैं उसके खाने के पहले आपको बता दूँ, अगर मिर्ची आपको तीखी ज़्यादा पसंद नहीं है तो मिर्ची निकाल के खाइएगा, उसके अलावा ये तीखा नहीं है। द चटनी इज़ सो नाइस, आई मीन उन्होंने मुझे अलग से एक वाटी में ही दे दिया है द लहसुन चटनी, अगर आप यहाँ पे आते हो तो
तो ये ज़रा भी मिस मत करना, ये एक्चुअली कोई भी डिश को एलिवेट कर रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। पूरी भाजी खाने के बाद मैं पीयूष पीना पसंद करूँगी, तो मैंने पीयूष ले लिया। पीयूष इज़ बेसिकली चिकन का बना हुआ रहता है, इट इज़ लिटिल थिक क्रीमी एंड नाइस कलर, एकदम चिकन अगर आप पसंद करते हो ना तो ये आपको बहुत पसंद आएगा। ये पी के देखते हैं अभी। मज़ा आ गया, एकदम रिफ्रेशिंग कार्डमम का फ्लेवर आ रहा है, इलायची का फ्लेवर आ रहा है, इट इज सो गुड, अमेजिंग। अभी मैं थाली खाना शुरुआत कर रही हूँ। ये देखिए यहाँ की थाली, मुझे यहाँ पे दे दी गई दो चपाती, एक पापड़ दे दिया गया है, कढ़ी दे दी गई है। यहाँ पे कढ़ी एकदम मस्त लग रही है, राय और कड़ी पत्ता का एकदम मस्त फोड़नी दिया हुआ है, बटाटे का भाजी दे दिया गया है, आई होप दिस इज़ द सेम बटाटा ओनली जो हमें पूरी के साथ मिली है। ये हमें दे दिया है कैप्सिकम और वटाने की भाजी, तो ग्रीन वटाना होता है और थोड़ा वाइट वटाना है वो मिक्स किया है, और ये दे दिया है हमें यहाँ पे दाल। आहा, महाराष्ट्रन दाल्स आर ऑलवेज द बेस्ट वन, क्योंकि यहाँ पे एकदम मस्त फोड़नी देती है, और थोड़ा सा लोनचा दे दिया है, सॉल्ट दे दिया है और एक नींबू दे दिया, और यहाँ पर राइस भी दे दिया है। तो अभी मैं ना रोटी लेती हूँ, और रोटी के साथ है ना, पहले ना मैं बटाटे की भाजी खा के देखती हूँ। एक स्पून ले लेते हैं और बटाटे की भाजी खा के देखते हैं। मुझे तो लगता है कि वो वही सेम बटाटे की भाजी होगी, दैट सेम बटाटा भाजी। वो पूरी के साथ भी उतना अच्छा लगा था जितना चपाती के साथ अच्छा लगा, क्योंकि बटाटे भाजी इज़ वेरी नाइस। यहाँ पर दूसरी जो भाजी दी गई है जो कैप्सिकम की है, थोड़ी वटाने की है, और आलू भी दिख के आ रहा है, तो चलिए थोड़ा एक खा के देखते हैं। मैं से थोड़ा सा बटाटा और वटाना ले लेते हैं, पहले ऑरेंजिश कलर का भाजी है, खा के देखते हैं। लिटिल स्वीट, इट इज़ सो गुड। वो मिक्स भाजी होती है ना, मिक्स भाजी की जो स्वाद होती है सेम इसमें से आ रही है, खाली है ना ये हल्का सा ग्रेवी वाला है तो स्वाद काफ़ी बढ़ के आ रहा है, और है ना इसमें राय और टमाटो और कड़ी पत्ता मुझे दिख के आ रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। मैंने अभी आपको दोनों भाजी दिखा दिया है, भाजी दोनों भी बहुत ज़्यादा डिलीशियस है, और यहाँ पे अभी मैं ना ये दाल है ना थोड़ा राइस में लेने वाली हूँ, तूर की दाल है ये, मस्त एकदम फोड़नी डाली गई है। चलो ये खा के देखते हैं, पहले ये देखिए, सो गुड, ये ना एकदम घर के जैसी दाल है, स्वाद एकदम थोड़ा थिक है, क्वालिटी में उन्होंने ज़रा भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है। अगर आप यहाँ पे आके खाओगे ना आपको क्वालिटी सब चीज़ की पसंद अच्छी लगेगी। अभी मैं और एक राइस ले रही हूँ, ऐसा लग रहा है कि है ना मैं घर पे बैठ के खाना खा रही हूँ, इट इज़ सो गुड। चलो पापड़ ले लिया, खाते अभी। अच्छा ना राइस की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, एकदम छोटा छोटा राइस है, बहुत अच्छी क्वालिटी है छोटी, और है ना उसमें दाल मिक्स करके ना इतना अच्छा लग रहा है, दाल का फोड़नी बहुत अच्छे से तरीके से किया है। अभी मैं कढ़ी के साथ खा के देखने वाली हूँ। ये देखिए कढ़ी में ना एकदम मस्त फोड़नी दी गई है राय जीरे की, और मुझे कढ़ी पत्ता और है ना कोरिएंडर लीव्स की भी दिख के आ रही है। मैंने ये राइस पे ले लेती हूँ और ये राइस के साथ खा के देखते हैं। ये ना कढ़ी और है ना बटाटे भाजी के साथ भी अच्छी लगती है राइस के साथ। कढ़ी इज़ लिटिल स्वीट, लिटिल स्पाइसी, वेरी यमी, बहुत अच्छा लग रहा है राइस के साथ, तो आहा मज़ा आ रहा है। मैं ना आपको एक दिखाती हूँ कि बटाटे के भाजी के साथ है ना कढ़ी थोड़ा मिक्स करके खाएंगे ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। ये देखिए मज़ा आ गया। अभी ना इतना खाते खाते मुझे वापस प्यास लग गई है, तो मैं लेने वाली हूँ तीसरा ड्रिंक, ये है आम पन्ना। एकदम मस्त उन्होंने डिज़ाइन करके बॉटल में दिया है, एकदम पैकेजिंग मुझे बहुत अच्छा लगा है। इसको मैं थोड़ा पीने के पहले ना शेक करना पसंद करूँगी, थोड़ा शेक कर लेते हैं और अभी पीते हैं। चलो पी के देखते हैं। थोड़ा सारनेस, थोड़ा खट्टा, थोड़ा मीठा, वाह मज़ा आ रहा है। समर सीज़न मेरा शुरुआत हो चुका है आम पन्ना पी के। ये देखिए मैंने स्वीट्स में जो आपको मैंने पहले बताया था, मैंने खरवस और गाजर का हलवा ले लिया है। अभी मैं ना पहले खरवस से खाने वाली हूँ। खरवस का टेक्सचर है ना सेम जैसा होना चाहिए वैसा है, और ऊपर से थोड़ा सा ना केसर डाल दिया है इसलिए कलर और अच्छा लग रहा है। इसमें वेलची पाउडर भी ऊपर से डाली गई, एकदम दिख के आ रहा है। इट इज़ सो सॉफ्ट एंड नाइस, और जैसा टेक्सचर होना चाहिए वैसा टेक्सचर है। चलो खा के देखते हैं। सो गुड, प्रॉपर स्वीट, नॉट टू स्वीट, अमेजिंग। सी दिस खरवस, दिस इज़ वेरी नाइस। महाराष्ट्र लोगों का एकदम फेमस डिश होता है जो स्वीट्स में आता है, और ये ना गाँव के ना फर्स्ट मिल्क से बनता है, इट्स वेरी नाइस एंड आई लव इट। अब मज़ा आ रहा है ये, चलो खाते हैं।
अभी गाजर का हलवा खाते हैं। ये देखिए गाजर का हलवा, इसमें उन्होंने काजू और किशमिश डाली गई है। मैं इसमें से साइड से थोड़ा पीस लेना पसंद करूँगी। ये देखिए, चलो खाते हैं। सो नाइस। मैं ना पहली बार तो खा के ना मावा जैसा फीलिंग नहीं आया कि बहुत ज़्यादा मावा डाला गया। स्वीट एकदम प्रॉपर है। क्वांटिटी अगर मैं बोलूँ तो इतना एक जन के लिए बहुत अच्छा दिया है। ज़्यादा भी नहीं खाना, कम भी नहीं खाना। प्रोपोर्शन स्वीट्स के काफ़ी अच्छे हैं। स्वीट्स के मामले में अगर बोलूँ तो एकदम मीठा भी नहीं है बट बहुत अच्छा है। अभी मैं फिनिश करती हूँ और आपको मिलती हूँ बाहर। आज का खाना खा के काफ़ी मज़ा आ गया। मैंने काफ़ी कुछ खा लिया आज, स्नैक्स से लेकर थाली भी, लेकिन एकदम वर्थ इट था। आप यहाँ पे ज़रूर आइएगा और ये खाने का स्वाद का मज़ा लीजिए, क्योंकि इतना स्वादिष्ट था और एकदम ऑथेंटिक था। मुझे तो सब खा के मज़ा आ गया यहाँ पे। रही बात ड्रिंक्स की बोलूँ तो यहाँ पे जो पीयूष था, आमपन्ना था और छाछ था, तीनों भी लाजवाब थे। आप यहाँ पे जब भी आओगे तो ये तीनों भी ट्राई करना। आई होप मेरा वीडियो देख के आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो आपको करना है ये वीडियो को लाइक और शेयर करना है अपने फूडीज फ्रेंड्स के साथ, फूडीज फैमिली के साथ, जिसको ये वीडियो देख के मज़ा आएगा और यहाँ पे आके खाना पसंद करेगा। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट आपको मेरे चैनल को करना है सब्सक्राइब, तो ताकि आपको पता चले जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो डालूँ, यूट्यूब आपको बताएगा कि मेरा एक वीडियो आया है, तो आपको वो देखना है। गाइज, ये मेरे पास एक ही माध्यम है जिनसे मैं आपके साथ कनेक्ट हो सकती हूँ। आप मुझे इंस्टाग्राम और यूट्यूब में मैसेज करके और कॉमेंट करके बता सकते हैं कि आप इसके बाद और क्या क्या वीडियोस देखना पसंद करेंगे। आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं यहाँ पे। सो बाय दिस आई वुड लाइक टू एंड आवर वीडियो ओवर हियर। अंटिल देन लीव लव, कीप ट्रैवलिंग। बाय।